Alright, so hey guys, welcome back to my channel and you all are watching SK Experiments. So guys, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेपर्स आ गए थे और मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, जैसे कि मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था। सो गाइस, ये वीडियो शूट करने के लिए बस मेरा एक ही मोटिव है कि जो घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं वो ये वीडियो ट्राई कर सकें, और दूसरा कि आप घर बैठे एंटरटेन हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट बिना किसी देर के। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे ऑप्शन पूछी थी कि आप स्मोक बॉम्ब चाहते हैं या फिर आइस, इंस्टेंट आइस फ्रीज, और आपने मुझे कहा था कि आप इंस्टेंट आइस फ्रीज चाहते हैं, तो मैं आपके लिए इंस्टेंट आइस फ्रीज ही लेके आया हूँ। तो देखते हैं मेरे सेटअप पर। ओके, गाइस, ये रहे हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स। तो इन इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। ये है डाइपर, जो बेबी डाइपर आते हैं वो वाले डाइपर, एक बाउल, स्पून, कुछ गुब्बारे या बैलून्स, फनल, वाटर एंड दैट्स ऑल। सो गाइस, इस वीडियो में हम इंस्टेंट आइस फ्रीज कैसे करेंगे, पहले हम इस डाइपर को फाड़ेंगे, इसके अंदर का जो पाउडर होगा उसको हम अलग करेंगे, जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये गुब्बारे या बैलून्स मैंने इसलिए रखे हैं क्या, ताकि मैं आपको बाद में बता सकूं, ये आपके लिए सस्पेंस है, तो आप सोचिए किस लिए रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नई। तो गाइस, शुरू करते हैं ये वीडियो, और पहले हम इस डाइपर को खोल लेंगे। तो इसको खोलने के बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ डाइपर्स, ये टोटल 12 डाइपर्स हैं मेरे गाइस। सो ये जो डाइपर्स हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, और अब हमको इसको पहले थोड़ा सा साइड से फाड़ना है। और अब दूसरी साइड को से भी एक बार फिर से करेंगे। तो खुलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, तो पहले मैं इसको तो साइड पर रख लेता हूँ। एंड अब ये जो एक पहला डाइपर है, हमने इसको बीच में से काटना है। तो गाइस, पहले हमने अब इस डाइपर को बीच में से काटना है, मतलब बीच में से अलग हो जाएगी। एंड दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। गाइस, ये डाइपर खुलने के बाद कुछ इस टाइप से अंदर कॉटन होती है, और इसके साथ ही अंदर बैलून्स, मतलब बैलून्स, सॉरी सेटअप की वजह से मेरे माइक में बैलून आ गया। तो इसके अंदर एक छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिसकी वजह से आइस फ्रीज होगी। हमने पहले उस सारी बॉल्स को इस ट्रे में निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं। शूट कर, अब इस पे शूट कर फास्ट फॉरवर्ड। सो गाइस, मैंने इसमें अब फिर से न्यू बैलून लगा लिया, एंड अब हम इसमें फिर से यही पाउडर डालेंगे। एंड गाइस, अब मैं इसमें सारा ये पाउडर डाल लेता हूँ। सो गाइस, इसमें पाउडर इतना तो बहुत है,
अब मैं आपको इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ। तो चलिए पानी डालने के लिए हम बाहर चलेंगे। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बिकॉज बाहर व्हीकल्स आ रहे हैं और इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे मैं अपना माइक नहीं रख सकता था, तो पीछे से आपको थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो ये रहा हमारे पास हमारा बैलून एंड अब हम इसको करेंगे इसके अंदर पुट। गाइस मैंने अब इसमें बैलून तो लगा लिया है, अब हम इसमें पानी भरेंगे। सो गाइस मैंने इसमें पानी तो भर लिया है एंड ये पाउडर बीच में रिएक्ट तो शुरू कर रहा है, तो उसके लिए भी हमको 1 से 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। इस तरह हम इसको घुमाते हैं या हिलाते हैं। तो गाइस अब हम इसमें नॉट टाई करेंगे और ये हमारा एक बैलून तो तैयार है। सो अब एक मेरी सिस्टर है जिसके चैनल की मैंने प्रमोशन करी थी, तो अब उसी का भी मतलब बैलून फुलाएंगे और दोनों को आपको फोड़ के दिखाएंगे। सो ये रहा डालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा पानी आ गया और मेरे को लग रहा है इसके अंदर वो सब्सटेंस नहीं बनना जो हम चाह रहे थे। थोड़ा सा पानी के साथ हम शुरू करेंगे। सो गाइस अब हम इसमें पानी भर रहे हैं और इसमें भी उसके मुकाबले पानी थोड़ा ज्यादा आ गया और मुझे इसमें वैसा सब्सटेंस थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पानी थोड़ा सा कम करूँगा एंड नाउ इसके अंदर जो आपको ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस दिख रहा है वो यही है, पर अभी इसमें भी मुझे लगता नहीं कि हुई है वो आइस फ्रीज। अब हम इसमें नोट लगाएंगे। मेरे हैंड बहुत ही स्लिपरी हो गए हैं। तो चलो ये रहे हमारे पास हमारे दोनों बैलून एंड अब हम आपको दिखाएंगे इनको फोड़ के। तो तब तक के लिए मैं उसके लिए भी एक सेटअप लगा रहा हूँ, उसके सेटअप के लिए उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सो बाय। सो गाइस अब ये जो बैलून है जो हमने बनाया था, एक को तो मैं पिन से तोड़ूंगा और एक को मैं आपको नीचे तोड़ के दिखाऊंगा। तो पहले तो ये जो पिन से है मैं इसको तोड़ता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जैसा मैंने सोचा था वो ही हुआ और इसके अंदर जेली ही है। तो गाइस अब ये जो बैलून है ये है दूसरा बैलून, हमने 3 बैलून फुलाए थे। सो गाइस अब पहले तो मैं एक ये बैलून को ऐसे ही तोड़ूंगा या फोड़ूंगा एंड गाइस आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्नो ही निकली है। मैं आपको उठा के दिखाता हूँ ये गाइस, आप इसको आइस भी कह सकते हैं स्नो भी कह सकते हैं और ये किसी को भी जोर से नहीं लगती, ये खेलने में बहुत ही अच्छी लगती है। बस थोड़ा ये है कि मतलब डाइपर साफ होना चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए अब मैं आपको एक फाड़ के दिखाता हूँ। तो गाइस अब ये जो है हमारे पास बैलून हम इसको फोड़ना है। तो चलिए बोलने के लिए कुछ है तो नहीं तो फोड़ते। ओ फर्स्ट ट्राई रीटेक, सेकंड ट्राई मुझे इसको थोड़ा जोर से मारना पड़ेगा नीचे। तो इसमें भी वही का वही सेम सब्सटेंस निकला है एंड ये खेलने में बहुत ही मजा आता है, बस थोड़ा डाइपर साफ होना चाहिए जिससे आपने बनाया है। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको इस वीडियो के बाद, पर उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। न्यू वीडियो में नई अब
अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी सब्सक्राइबर्स के लिए, तो चलिए स्टूडियो में। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एसके एक्सपेरिमेंट्स। सो गाइस से कर दो, और अब 200 का टारगेट है, 200 का टारगेट मतलब पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल 200 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो जल्दी से जल्दी पूरे कराओ। और हाथ तो वैसे ही गंदे हैं, अभी साफ करने हैं। बाय।